Welcome to SD Educator Classes. Today we will do activity 2, chapter number 2. Take some water that has been obtained after boiling rice. This water has some starch dissolved in it. Add 2-3 drops of this water to 4 glass bowls or small transparent cutoris or glasses and label them as A, B, C and D. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, कुछ वाटर लेना है जो कि हमें कैसे लेना है, बॉइलिंग राइस से जो हमें बच जाता है उसको ले ले रहे हैं। इस वाटर में हमें क्या करना है, स्टार्च को मिक्स कर देना है, डिसॉल्व कर देना है और 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ दिस वाटर टू 4 ग्लास बाउल्स, और इसकी 2-3 ड्रॉप्स क्या करनी है, 4 ग्लास बाउल्स जो ग्लास के कांच के बाउल्स होते हैं उनमें डाल देनी है 2-3 ड्रॉप्स तक, और स्मॉल ट्रांसपेरेंट कटोरीज या फिर कुछ कोई ट्रांसपेरेंट कटोरीज होती हैं कांच की और ग्लासेस, एंड लेबल देम एज ए बी सी एंड डी, और उन्हें क्या लेबल कर देना है, ए बी सी एंड डी। 4 कटोरीज लेनी है, उनमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है, जो हमने वाटर में स्टार्च डाला हुआ है वो डालनी है। एड ए टी स्पून ऑफ प्लेन वाटर टू ईच ग्लास बाउल, और तो क्या करना है कि एड ए टी स्पून ऑफ प्लेन वाटर, प्लेन वाटर का 1 टीस्पून डालना है, ठीक है, 1 टीस्पून प्लेन वाटर डालना है हर बाउल में, जितने भी हमने ये 4 बाउल लिए हैं उनमें क्या करना है हमें 1 टीस्पून ऑफ प्लेन वाटर का डालना है। नाउ एड ए टी स्पून ऑफ यूर सलाइवा टू बाउल बी, और बाउल बी में हमें क्या करना है, अपनी सलाइवा को डालना है, कितना डालना है, 1/8 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून। हीट अनदर टीस्पून ऑफ योर सलाइवा ओवर ए फ्लेम, और फ्लेम के ऊपर क्या करना है हमें, हीट करना है उसको, गर्म करना है फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स एंड एड दिस टू बाउल सी, और इसे बाउल सी में डाल देना है। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स एड 4-5 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इन ईच बाउल एक्सेप्ट बाउल डी, और बाउल डी के अतिरिक्त 10 मिनट के बाद क्या करना है हमें, 4-5 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन की हर बाउल में डाल देनी है, डी बाउल को छोड़ देना है। टैबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, ये आपको टेबल दी हुई है, इसमें आप जो भी ऑब्जर्व करोगे उसको आपको इसमें नोट डाउन करना है। प्रेजेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर आफ्टर द एडिशन ऑफ आयोडीन ड्रॉप शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है तो क्या शो करता है ये, अगर जब हम इसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डालते हैं तो ये कैसा कलर शो करेगा, ब्लू ब्लैक कलर, ये क्या प्रेजेंस की शो करता है, स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। व्हाट हैपन टू द स्टार्च इन ए बाउल बी, और बाउल बी में स्टार्च का क्या होता है ये हमें नोट करना है। व्हाई डिड द ब्लू ब्लैक कलर नॉट अपीयर इन बाउल बी एंड बाउल डी, तो बाउल बी और बाउल डी में ब्लैक कलर, ब्लू और ब्लैक कलर क्यों नहीं आया है, ये भी आपको इस टेबल में नोट डाउन करना है। फॉर द टीचर इसमें दिया हुआ है, द ब्लू ब्लैक कलर डज नॉट अपियर इन बाउल बी बिकॉज द स्लाइवा ब्रेक्स द स्टार्च इनटू सिंपलर सुगर्स विच डू नॉट अंडरगो ए कलर चेंज विद आयोडीन, तो ब्लू ब्लैक कलर क्यों नहीं अपियर होता है बाउल बी में, बिकॉज द स्लाइवा ब्रेक्स द स्टार्च, क्योंकि जो हमारी स्लाइवा है वो स्टार्च को ब्रेक कर देती है सिंपलर सुगर्स में, विच डू नॉट अंडरगो, जो नहीं जाती है एक कलर चेंज विद आयोडीन, जो आयोडीन से उसका कलर चेंज नहीं होता है। देयर इज हाउएवर कलर चेंज इन बाउल सी, फिर भी जो बाउल सी है उसमें कलर चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द स्लाइवा लूजेस इट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग स्टार्च आफ्टर हीटिंग, क्यों, दिस इज क्योंकि स्लाइवा अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको ब्रेक कर देती है ऑफ ब्रेकिंग स्टार्च के आफ्टर हीटिंग, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो क्या करती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देती है। द स्टार्च देयरफॉर स्टेज एज, जिससे क्या होता है स्टार्च ऐसे ही बना रहता है, हेंस द एडिशन ऑफ आयोडीन कॉजेज ए कलर चेंज, जिसकी वजह से जो कलर जो है चेंज हो जाता है आयोडीन जब हम उसमें ऐड करते हैं। वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी टीचर मस्ट एंश्योर हाइजीन, और जब ये एक्टिविटी करते हैं तो टीचर को हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ये टीचर्स के लिए है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द फूड पाइप, यानी कि ओसियोफेगस। द फूड पाइप इज ए लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द बकल कैविटी टू द स्टमक, फूड पाइप क्या होती है, एक लॉन्ग नैरो और मस्कुलर ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है बकल कैविटी को स्टमक से। फूड दैट हैज बीन च्यूड इन द माउथ इज पुश्ड डाउनवर्ड इनटू द ओसियोफेगस, फूड जो भी हम च्यू करते हैं माउथ में वो
डाउनवर्ड नीचे चला जाता है ओसियोफेगस में. फ्रॉम हेयर द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ओसियोफेगस. यहाँ से क्या होता है कि जो ऑनवर्ड मूवमेंट होती है फूड की ड्यू द मूवमेंट ऑफ द मसल्स की मूवमेंट के कारण प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ओसियोफेगस जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे ओसियोफेगस की वॉल में. ठीक है आगे चला जाता है. ठीक है इससे क्या होता है ऑनवर्ड मूवमेंट होती है यानी कि फूड आगे की तरफ बढ़ जाता है. नेक्स्ट डू यू नो एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप. इट क्लोजेस द विंड पाइप व्हेन एस स्वेलो फूड एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स. एपिग्लोटिस क्या होता है एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है टॉप ऑफ द विंड पाइप में. जो हमारी विंड पाइप है यानी कि जो श्वास नली है उसमें के टॉप पे ये प्रेजेंट होता है क्या एपिग्लोटिस. इट क्लोजेज द विंड पाइप ये क्या करता है क्लोज कर देता है विंड पाइप को व्हेन वी स्वेलो फूड जब हम फूड को निगलते हैं एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स और ये रोकता है किससे फूड को हमारी लंग्स में एंटर करने से रोकता है. कौन रोकता है एपिग्लोटिस. थैंक यू.